एंटी हेयर फॉल जूस, एंटी हेयर फॉल जूस ये बहुत अच्छा जूस है, इससे आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे। आप ये महीना भर हर दिन पिया करो, बाल सफेद भी हो जाएंगे। और जिनके बाल काले हो, काले होने चाहिए यानी सफेद है, तो उनके काले भी हो जाएंगे। और जिनके बाल चले गए हैं तो उनके सिर के ऊपर भी बाल आएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आएंगे जरूर। तो उसके लिए ऑयल भी है, उसके लिए हमें क्या करना है, एंटी हेयर फॉल जूस भी पीना है, पैक भी लगाना है, हेयर फॉल के लिए पैक भी लगाना है और ऑयल भी लगाना है। तो ऑयल मैं बता दूंगा आपको अगले वीडियो में कैसे बनाना है, बहुत आसान है। हम छोटी मोटी चीजें जो कचरे में फेंक देते हैं उससे ही बनाना है, जैसे हम अनियन प्याज लेते हैं तो आप सब काटते हो उसका छिलका फेंक के देते हो ना, तो उस छिलके से ही बनाना है हम जो, क्योंकि वो छिलके में इतने सारे जीवन सत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं उस प्याज में, वो पूरा उसका वो छिलके में आ जाता है। तो हमें क्या खाना है वो हमें वो फेंक के दिया है, हमने अंदर का खाना है। जैसे केला हो गया, केले के छिलके में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, छिलका फेंक के देते हैं और केला खाते हैं। तो हर एप्पल में भी देख लेना, छिलके में सबसे ज्यादा फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स आयरन सबसे ज्यादा छिलके में होते हैं। तो कोई भी फल का छिलका नहीं उतरना है, कोई भी सब्जी का छिलका नहीं उतरना है, छिलके के साथ खाओ, कोशिश करो कि छिलके के साथ खाओ। और जिनको जरूरी है उनका छिलका निकालो, जैसे ड्रम स्टिक का हल्का सा ऊपर का छिलका निकालना पड़ता है, कभी कभार करेला का भी निकालना पड़ता है। कोशिश करो, लौकी का भी अगर आप वैसे ही बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, निकाल के भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि मत निकालो। लेकिन लौकी कट करते टाइम पहले हल्का सा देखो वो कड़वा है क्या, कड़वी लौकी नहीं लेनी है, मीठी ही लौकी लेनी है, ठीक है ना। तो हम थे एंटी हेयर फॉल जूस में, तो यहाँ पे आप लिख लेना 2 ग्राम अदरक और 2 ग्राम हल्दी, 2 ग्राम अदरक, 2 ग्राम हल्दी, आप कौन सी भी ले लो, आपके घर में जो अवेलेबल है, जैसे कच्ची हल्दी है तो कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर लेना, अगर पाउडर है तो पाउडर का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद अगर पाउडर है हल्दी की तो 1/2 चम्मच पाउडर डालना है, इसे ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर कच्ची हल्दी है तो 2 ग्राम लेना है, अदरक तो हमारे घरों में होता ही है 2 ग्राम, ठीक है नहीं। अगर अदरक की भी पाउडर है तो 1/2 चम्मच लेना है। फिर आगे लेना है आपको 10 से 15 पत्ते पुदीना के, 10 से 15 पत्ते धनिया के, 10 से 15 पत्ते, अब सारे पत्ते ही है, 4 से 5 प्रकार के पत्ते ही है, तो 10 से 15 पत्ते पालक, 10 से 15 पत्ते धनिया, 10 से 15 पत्ते पुदीना, 10 से 15 पत्ते करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता, 10 से 15 पत्ते भृंगराज, 10 से 15 पत्ते भृंगराज के आपके पौधे आपको नर्सरी में भी मिल जाएंगे, ठीक है नहीं, बालों के लिए बहुत अच्छा है। स्टोर्स में मुश्किल है लेकिन आपको नर्सरी में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, नर्सरी से ले लेना, ठीक है नहीं। तो आपको लेना है 10 से 15 पत्ते भृंगराज के, 1 अनार, 1 अनार लेना है, 1 ऑरेंज लेना है, एंटी हेयर फॉल, 1 अनार, 1 ऑरेंज,
एक लेना है आपको बीट, एक टोमेटो, एक ककड़ी, ककड़ी ककड़ी, खीरा, एक ककड़ी लेनी है, एक खीरा लेना है, एक ककड़ी, एक चम्मच मेथी पाउडर, एक चम्मच मेथी पाउडर, एक चम्मच कलौंजी पाउडर, एक चम्मच प्याज की पाउडर, प्याज होता है ना उसके बीज होते हैं, प्याज सीड्स की पाउडर लेनी है। नहीं अलग है, कलौंजी मिलती है 200 रुपए किलो से, प्याज की बीज मिलते ही 6000 रुपए किलो से। कोशिश करना कि ग्रोसरी में मिल जाता है। एक चम्मच कलौंजी हल्का सा ट्रायंगल में होता है, वो भी ब्लैक ही होता है। ये आपने लिखा एक चम्मच पाउडर, वीट ग्रास, वीट ग्रास पाउडर एक चम्मच, वीट ग्रास पाउडर एक चम्मच, वीट ग्रास, वीट ग्रास, और एक आंवला, आंवला आता है ना खाने वाला, तो एक आंवला ले सकते हो आप। अगर आपके पास आंवला पाउडर है तो आधा चम्मच आंवला पाउडर डाल देना, ठीक है नहीं। इसका अच्छे से जूस बनाओ, ये सामग्री से आपके दो जूस बन जाएंगे। तो ये जूस आप नाश्ते में जरूर लेना है, ठीक है नहीं। और नाश्ता होने के बाद दोपहर में भी ले सकते हो, खाने के बाद एक घंटे के बाद, और शाम को भी ले सकते हो, जितना टाइम ले लो कोई दिक्कत नहीं है। और एनर्जी भी आपको क्विक मिलेगी, क्योंकि क्विक मिलेगा दोपहर सुबह नाश्ते में, खाने के बाद एक घंटे के बाद, और शाम को 5 बजे भी ले सकते हो। पानी, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और इसके अंदर अगर आप आगे लिख लेना एंटी हेयर फॉल पैक, एंटी हेयर फॉल पैक, तो ये जो भी आपने जूस निकाला है तो उसका जो भी मटेरियल बचा है वेस्टेज, उसके अंदर दही डाल के आपके बालों को लगाना है। तो ये क्या हो गया एंटी हेयर फॉल पैक। जो भी आपने जूस बनाया है एंटी हेयर फॉल, उसके उसका जो भी वेस्टेज बचा है तो उसके अंदर आपको दही डालना है, दही डाल के वो आपको बालों पर लगाना है। तो ये क्या हो गया आपको एंटी हेयर फॉल पैक हो गया। समझ में आ गया? किडनी पेशेंट को बताते हैं। समझ में आ गया आपको? This video is accessible on YouTube? Yeah. The link is not there. तो एंटी हेयर फॉल कैसे बनाना है समझ में आ गया आपको? जो हमने जूस बनाया है तो उसमें सब वेजिटेबल चाहिए ऐसा नहीं है, जो नहीं है जो आपके घरों में है वो डाल दो, कोशिश करो कि पूरा डालने के लिए, जो नहीं है तो नहीं हो, लेकिन बनाना है पीना है जरूर। हाँ नहीं, जो जैसे कि आप मिक्सर में करोगे ना तो उसके छानोगे जो ऊपर रहेगा वो आपका वेस्ट है, फिर उसमें दही डालना है, फिर वो आपको बालों को लगाना है। बालों को लगाने के बाद 45 मिनट आपको धूप में बैठना है, घरों में, घर में नहीं बैठना है, क्योंकि जो भी आपको बालों को जो लगाएंगे ना पैक वो ठंडा होता है, क्योंकि दही भी ठंडी और हरे सब्जियां भी ठंडे, तो आपको सर्दी खांसी होने के चांसेस होंगे। और जिनको सर्दी खांसी है उन्होंने लगाना नहीं बालों को, हाँ लगा के धूप में बैठ जाना है 45 मिनट। तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा, B12 भी मिलेगा, अलग से खाने की जरूरत भी नहीं है, है कि नहीं। यानी आप एक ही पत्थर से तीन तीन आपके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप। एक तो आपने जूस पिया, बालों के प्रॉब्लम्स हो गए, बालों को काला किया, बालों को सफेद किया,
बालों को सफेद से काला किया और विटामिन डी भी आपको मिलेंगे। और कोशिश करो कि सुबह ही पीने की, और सुबह ही धूप में बैठ जाओ 9 से लेकर 10:30 के बीच में, तो विटामिन डी भी अच्छे से मिल जाएगा। सूर्य देवता तो सबको देते हैं, है कि नहीं, तो उसका उनका इस्तेमाल करना है हमें हमारे जीवन में, हम करते नहीं, इसलिए तो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए तो आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स होते हैं। आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, यही रीजन है, समय बहुत कम है, बताने के लिए बहुत कुछ है। आप मुझे 5 बजे भी ऐसे बिठा दोगे ना, तो अब मैं कंटिन्यू बोलते रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। आपका समय अभी थोड़ा और, एक हम 5-10 मिनट क्लास लेते हैं, उसके बाद इसमें भोजन कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, और रोटियां कैसे बनानी है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है नहीं। तो एंटी हेयर फॉल जूस हो गया, पैक भी हो गया। अब लिखो एंटी हेयर फॉल, एंटी कैंसर जूस, एंटी कैंसर जूस। तो जो आपने एंटी हेयर फॉल जूस बनाया है उसके अंदर आपको 30 ml गोधन अर्क डालना है। कितना? 30 ml गोधन अर्क डालो, गोधन अर्क, और 20 ml आपको डालना है एलोवेरा जूस। तो ये हो गया आपका एंटी कैंसर जूस। तो अभी सबसे ज्यादा हेयर फॉल एक स्पून लेना है, एक ग्लास लेना है, हाँ, एक ग्लास में 30 ml डालो गोधन अर्क और 20 ml डालो गोधन अर्क यानी गोमूत्र। एंटी कैंसर में एंटी हेयर फॉल जूस एक ग्लास प्लस 30 ml गोधन अर्क और 20 ml एलोवेरा जूस। तो ये हो गया आपका एंटी कैंसर जूस। ये कभी भी पी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकफास्ट में, सुबह उठने के बाद, दोपहर में, शाम को। समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे भोजन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। पहले हम चालू करते हैं कि सूप कैसे बनाते हैं। जब भी आप कोई भी सब्जियां बनाओगे तो उसको आधे पौन घंटे में पानी में रखो, और इस्तेमाल करना है पतीले का, कुकर का इस्तेमाल नहीं करना है, कुकर में जीवन सत्व ही नहीं रहते। आधे पौन घंटा, जैसे हमें गाजर का सूप बनाना है तो गाजर को हमने आधा पौन घंटा रखा, तो उसके ऊपर के जो भी केमिकल थे वो पानी में मिक्स हो गए, क्योंकि हमने उसमें नमक भी डाला था। आधे पौन घंटे पानी में रखने हरी सब्जियां, कोई भी वेजिटेबल्स, और उसमें नमक डाल के छोड़ दो। वेनेगर का इस्तेमाल नहीं करना है, वेनेगर ऑलरेडी केमिकल है, वो केमिकल नहीं निकालेगा, वो सिर्फ स्मेल निकाल देता है। तो हमें क्या करना है, केमिकल निकालना है। तो पानी में आधा पौन घंटा हरी सब्जियां वेजिटेबल्स रखो और उसमें नमक डाल के छोड़ देना। उसके बाद जैसे गाजर को लेना है तो गाजर का सूप बनाना है, तो गाजर को कट करो, एक पतीले के ऊपर उसको बॉईल करो, पानी डाल के 50% ही बॉईल करना है उसको, ज्यादा नहीं बॉईल करना है। गाजर तो वैसे भी डाइजेस्ट हो जाता है, तो ज्यादा बॉईल करना नहीं है, सब्जियों को ज्यादा बॉईल नहीं करना है। जितना आप समय लेंगे उतना ही सब्जी, जितना आप बॉईल करोगे उतनी ही सब्जियां देर तक हमारे पेट में रहती है। कोशिश करो कि हम कच्चे ही सब्जियां खाएं, जैसे कि ककड़ी आप खा सकते हो, गाजर आप खा सकते हो, जुकुनी आप खा सकते हो, ब्रोकली भी खा सकते हो। उसके बाद आपको बॉईल करना है 50% गाजर बॉईल करना है पानी में। बॉईल होने के बाद फिर उसको बाहर निकालो गाजर को, उसको मिक्सर में उसकी पेस्ट करो। जिस पानी में गाजर को बॉईल किया था वो पानी रखना है, वो पानी फेंक के नहीं देना, क्योंकि आधे जीवन सत्व तो उस पानी में ही है गाजर के। तो जैसे ही गाजर को हीट लग जाती है यानी वो पकना चालू हो जाता है, तो कुछ जीवन सत्व पानी में भी मिक्स हो जाते हैं। तो जो हमने पेस्ट की है गाजर की, उस पानी में वो पेस्ट डाल दो, फिर हल्का सा उसको गर्म करो।
जैसे गर्म करेंगे आप तो धीरे धीरे ऊपर फेस बनना चालू हो जाता है, तो वो फेस साइड में निकाल दो, आपका सूप तैयार हो गया। ऊपर से आपको डालना है जीरा पाउडर और सेंधा नमक, बाकी कुछ नहीं डालना है इसमें। और गार्निश के लिए, गार्निशिंग के लिए आप ऊपर से डाल सकते हो हरा धनिया। आपका सूप रेडी हो गया। इसमें ना आपको घी इस्तेमाल करना है और ऑयल तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है कि नहीं, रिफाइंड ऑयल को तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। समझ में आ गया? ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। जिनको पित्त के प्रॉब्लम्स नहीं है, जिनको एसिडिटी नहीं होती है, ठीक है नहीं, वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको खांसी की दिक्कत है वो भी डाल सकते हो। समझ में आ गया? तो हर वेजिटेबल्स का, हर फ्रूट का और हर हरी सब्जियों का आप ऐसे ही सूप बना सकते हो। पीने में भी बहुत अच्छा, आपको आपने तो पिया रहेगा, अच्छा लगता है ना, क्योंकि कम समय में सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाले सूप ऐसे बनाए जाते हैं। ये तो हम घरों पे क्या करते थे, सूप बनाते टाइम सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस, अजिनामोटो, ग्रीन चिल्ली सॉस, तो ये नहीं डालना है कि नहीं। सेम वैसे ही मूंग दाल को पहले भिगाना है एक दिन भिगाओ उसको, फिर उसको हल्के से बॉईल करो बर्तन में। कुकर का इस्तेमाल ही नहीं करना है, कुकर घर से बाहर अपने उसको संभाल के रखो शोकेस में, ठीक है नहीं, अलमारी में रखो उसको, तो कुकर का इस्तेमाल नहीं करना है। इंस्टेंट आप जो भी चीज़ बनाओगे ना वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, इंस्टेंट नहीं बनाना है। आज हमें खाना है ना दोपहर को, तो उसका प्लानिंग एक दिन पहले ही दोपहर को कर लेना है, ठीक है नहीं। खाना बहुत जरूरी है, हम हर दिन हमारे शरीर में भोजन डालते हैं, यानी भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसका प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। तो क्या खाना है, आज शाम को क्या खाना है ना, तो एक दिन पहले ही शाम को प्लानिंग करो कि मुझे ये कल खाना है, तो भिगा के रखो वैसे ही, यानी सीड्स खाने तो उसको भिगाओ पहले, ठीक है नहीं। सूप बनाना है तो सूप मूंग को भी भिगाओ, वैसे ही पक जाएगा वो, आपके गैस का बिल भी बहुत बचेगा, ठीक है ना। जहाँ पे 2 महीना जाता था ना आपका सिलेंडर, वहाँ पे 1 महीना और जाएगा वो, क्यों, क्योंकि आपने पानी में रखा है मूंग, 15 मिनट कुकर में पकने में लेता था, वो अभी 5 मिनट ले लेगा, 10 मिनट आपके बच जाएंगे ना, ठीक है ना। तो दाल भी हमें वैसे ही करनी है, तुअर की दाल भी बनानी है तो उसको भी भिगाओ पहले, कम से कम 8 घंटा तो भिगाओ। राइस भी बनाना है तो राइस को भी भिगाओ 2 घंटा पहले, आपका गैस भी बच जाएगा और पानी से पक जाएगा। पानी में देखो 2 घंटा अगर आप राइस बनाए पानी में रखोगे ना तो 90% वैसे ही पक जाता है, आपको सिर्फ हल्का सा बॉईल करना है, तो जीवन सत्व भी उसी में रहे और अपना काम भी हो गया, हमने खाना भी खाया। समझ में आ गया आपको? कम समय और कोशिश करो कि मिट्टी के बर्तन में खाने की, कोशिश करो कि पीतल के बर्तन में खाने की, कोशिश करो लोहे के बर्तन में खाने की, जर्मन के बर्तन में नहीं खाना है, एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं खाना, उसमें जीवन सत्व ही नहीं रुकते, ठीक है ना। तो उससे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हमारे शरीर के लिए, तो कोशिश करो कि अच्छे से अच्छा भोजन आप खाओ। उसके बाद सब्जियां कैसे बनानी है, सब्जियां बनाते समय जैसे कि लौकी की सब्जी आपको बनानी है, तो हमने तो उसको आधा पौन घंटा पानी में रखा था, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको बाहर निकाला, उसको कट किया, छिलका अगर आपको निकालना है तो छिलका आप निकाल सकते हो, नहीं निकालना है तो मत निकालो, तो उसको कट किया, जैसे बड़ी चाहिए तो बड़े कट मारो, छोटी चाहिए तो छोटा कट करो,
तो तड़का देना बहुत सिंपल है, सात्विक भोजन बनाने के लिए बहुत सिंपल है, आप भी इजीली घर पे बना दोगे। सिर्फ तड़के का सारा खेल है। तड़का यानी क्या कि फ्राई पैन ले लो, कढ़ाई ले लो, उसमें पहले डाल दो घी, घी के बाद डाल दो जीरा, जीरे के बाद डाल दो हल्दी, हल्दी के बाद डाल दो हींग, हल्का सा हींग डालना है, है कि नहीं। हींग डालने के बाद अजवाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो आप उसमें, ये सारी चीजें, और सेंधा नमक भी डालना है उसी समय। नमक पकना बहुत जरूरी है, ऊपर से खाना बनाते टाइम कोई भी नमक नहीं डालना है। तो आजकल लोगों को बीपी के प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, यही रीजन है, ऊपर से खाना ऊपर से नमक डालते हैं। तो इस्तेमाल करना है नमक, सेंधा नमक। जिनको बीपी, जिनकी लो रहती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो आयोडीन नमक। जिनकी बीपी नॉर्मल है वो इस्तेमाल करो सेंधा नमक, कोई दिक्कत नहीं। नमक पकना बहुत जरूरी है, तो वो भी तड़के में डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो नमक अगर आप ऊपर से डालते हो तो हमारे शरीर को लगता है, वो पकना जरूरी है। फिर हमने जो कट की है सब्जी उसके अंदर डाल दो, उसको अच्छे से घुमा लेना, आपकी सब्जी 2 मिनट में तैयार हो गई। और लौकी को कितना समय लगता है, 2 मिनट में लौकी पक जाती है। ये हो गई फ्राई लौकी। अगर आपको बॉईल करके लौकी बनानी है तो पानी में उसको कट करके बॉईल करो, वो तड़के में डाल दो, तो बॉईल लौकी हो गई। अगर आपको ग्रेवी वाली लौकी चाहिए तो सेम लौकी को बॉईल करो, उसको उस सब्जी में डाल, यानी तड़के में डालो। तड़के में डालने के बाद उसको थोड़ी सब्जी को बाहर ले लो, मिक्सर में उसको ग्राइंड कर लेना, वही पेस्ट सब्जी में डाल देना, और जो पानी बॉईल किया था वो थोड़ा सा डाल देना, तो गीला भी हो जाएगी, यानी ग्रेवी वाली सब्जी हो जाएगी। सब्जियां बहुत आसान है। करेले की सब्जी बनानी है, यानी स्टफ करेला, उसके बाद स्टफ जुकीनी, है कि नहीं। तो ये सारी सब्जियां कैसे बनानी है वो आप आगे जो भी वीडियो आने वाले आप उसमें देख सकते हो, मैंने शूट करके रखे हैं, सिर्फ एडिट करके डाल देना है। हाँ, तो ये सारे जूस कैसे बनाना है या भोजन कैसे करना है, इसकी सारी वीडियोस आप स्वास्थ्यम संदेश ये यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लेना, कमेंट्स कर लेना, शेयर कर लेना अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों के साथ। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैंने कुछ आपको हेल्थ रिलेटेड कोई अच्छी जानकारी दी है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। रोटी का बताने वाला हूँ मैं। तो देखो वहाँ पे लिखा है चैनल के नाम, इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी है, तो इसका और सभी जाते टाइम आप मुझे व्यूज देना आपके वीडियोस, यानी लोग आपको देखे यहाँ पे अपने रोग और अपना शरीर निरोगी और स्वस्थ रखने के लिए, और अपनी लाइफ टाइम जो बिगड़ी है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे लोग आ सके। उसके बाद हमें रोटी कैसी बनानी है, तो रोटी में लिखो आप एंटी डायबिटिक आटा, यानी जिनको डायबिटिक के प्रॉब्लम्स है, यानी शुगर के प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज के प्रॉब्लम्स है, जिनकी शुगर हाई रहती है उनके लिए ये आटा है, तो यही आटा खाना है। तो इसमें आपको लेना है 1 किलो ज्वार, 1 किलो रागी, 1 किलो ज्वार, 1 किलो रागी, 1 किलो जेव, जेव यानी सत्तू, 1 किलो बाजरी यानी बाजरा, सत्तू जेव, 1 किलो ज्वार, 1 किलो बाजरी, 1 किलो जेव, 1 किलो रागी, कॉर्न यानी मक्का 1/2 किलो,
सोयाबीन मालूम है आपको, सोयाबीन, सोयाबीन आधा किलो, ओट्स, ओट्स मालूम है, ओट्स आधा किलो, मोठ मालूम है आपको, मोठ, मटकी, मटकी आधा किलो, मटर आधा किलो, व्हाइट ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। उसके बाद आपको लेना है ब्लैक चना, ब्लैक चना है लेना है आपको आधा किलो, सिंगाड़ा मालूम है आपको, सिंगाड़ा, हाँ सिंगाड़ा लेना है आधा किलो, सिंगाड़ा का आटा भी मिलता है वो भी लेना है आपको आधा किलो, कुल्थी, कुल्थी लेना है आधा किलो, कुल्थी मीन्स हुलगा, हुलगा हॉर्स ग्राम, सही बात कहा सर ने, बहुत हॉर्स ग्राम कहा सर ने, देखो इंग्लिश में हॉर्स ग्राम करते हैं। तो उसके बाद सब्जी बहुत अच्छी लगती है कुल्थी की, कुल्थी यानी हुलगा, हॉर्स ग्राम आप YouTube पे सर्च कर लेना है कि नहीं। उसको जैसे मोठ होता है ना, मोठ मसूर होता है, मसूर, मसूर का हल्का सा थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 mm से बड़ा, तो उसको अंकुर आने के बाद आप उसकी सब्जी बनाओगे ना, बहुत अच्छी लगती है खाने में, पतली सब्जी बनाओ। मेरे जबान में कभी पानी आ गया, मेरी फेवरेट सब्जी हो, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मसूर लेना है आधा किलो, मसूर अखा ले लो, साबुत ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मसूर दाल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो अपने पास अवेलेबल है वो डाल देना है। हाँ, उसके बाद लेना है राजमा, ब्लैक चना ले लिया उसमें, उसके बाद मसूर आधा किलो, राजमा लेना है आधा किलो, कुट्टू, कुट्टू लेना है आधा किलो, कुट्टू एक बीज होता है, ट्रायंगल्स में आता है, मराठी में भी उसको कुट्टू ही कहते हैं, इंग्लिश में भी कुट्टू ही कहते हैं, हिंदी में भी कुट्टू ही कहते हैं, वो ग्रोसरी स्टोर में आपको मिल जाता है, कुट्टू आधा किलो। उसके बाद उड़द की दाल आधा किलो, उड़द की दाल लेनी आपको आधा किलो, मेथी, मेथी लेना है आपको 250 ग्राम, और गवार मालूम है आपको, गवार क्लस्टर बीन्स बोलते हैं उसे, तो उसको भी लेना है आपको 500 ग्राम, उसको सूखा के लेना है, ठीक है ना, उसको सूखा के फिर ये सारा पीसना है, तो लगभग 1.5 किलो आप लेंगे गवार, तब इसको सूखा के आप पीसने के लिए दे देना, हाँ गवार 500 ग्राम, गवार सूखा, सूखा के 500 ग्राम लेनी है, गवार सब्जी सूखा के। तो ये हो गया आपका एंटी डायबिटिक आटा, आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी, और जिनको स्लिम होना है तो वो स्लिम भी हो जाएंगे, वेट भी नहीं बढ़ेगा, और हेल्दी भी है, बहुत सारे जीवन सत्व भी मिलेंगे आपको। उसके बाद है मल्टीग्रेन आटा, यानी नवरत्न आटा, मल्टीग्रेन आटा यानी नवरत्न आटा, तो इसमें आपने जो भी एंटी डायबिटीज में लिखे हैं 8 आइटम पहले, वो सारे इसमें लिखने हैं, जौ 500 ग्राम, रागी 500 ग्राम, बाजरा 500 ग्राम, ज्वार 500 ग्राम, मक्का
मक्का, सोयाबीन, ओट्स 500 ग्राम, मटर 500 ग्राम और तिल, व्हाइट तिल 250 ग्राम। तो ये हो गया आपका मल्टीग्रेन आटा। व्हाइट तिल कितना? 250 ग्राम। जो पहले एंटी डायबिटीज में जो पहले 8 सीड्स है, बीज है, वो लेना है और नौवा आइटम आपको डालना है उसमें तिल, व्हाइट तिल 250 ग्राम, है कि नहीं? समय बहुत हो गया है कि नहीं? समय सत्तू भी आएगा, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो समय हमें पीछे छोड़ देता है। सत्तू 250, सत्तू लेना है 500 ग्राम। सत्तू यानी जो, सत्तू यानी जो, जो तो हमने पहले ही लिया है, ठीक है ना? तो सत्तू यानी जो होता है, गेहूं जैसा ही होता है लेकिन आगे उसको काटा होता है। 500 ग्राम। तो जैसे एंटी डायबिटीज आटा है, अगर कोई पेशेंट है ना तो क्वांटिटी आगे आगे बनानी है। नहीं, माता जी सुनाई नहीं दिया माता जी मुझे। ब्लैकिश रहता है क्या? नहीं नहीं, व्हाइट रहते हैं, व्हाइट हल्का ब्राउन होता है, हल्का ब्राउन होता है। आप किचन में पूछ लेना उनको, वो आपको दिखा देंगे, ठीक है नहीं? तो समय समय लिमिटेड है, ठीक है नहीं? एक घंटे में तो मेरी कोशिश तो यही रहती है आपको सारा कुछ जानकारी दे दे, तो बहुत कुछ बताने का बाकी है, ठीक है नहीं? तो आप देख सकते हो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस। हाँ, YouTube पे देख लो ना, शाम को अलग क्लास होते हैं, ठीक है नहीं? तो मैंने वीडियो के साथ भी दिया है कि कैसे बनाना है, क्या करना है, ठीक है ना? और ये मेरे ये जो है ना, मैंने अभी बताया, ये भी आपको दिखाई देगा पूरा स्वास्थ्यम संदेश। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ मैं इस चैनल पे बताने वाला हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, लोगों को शेयर भी कर लेना ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकोगे, ठीक है ना? यहाँ पे आने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर 7 दिन आता है आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर में, तो लगभग 15 साल से ऑर्गन्स यंग होते हैं, इतना ज़बरदस्त कार्य किया जाता है। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक आपको 26 से 27 प्रकार की ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है नहीं? तो जिनको प्रॉब्लम्स है वो भी आ सकते हैं, जिनको रोग है वो भी आ सकते हैं, और जो निरोगी है वो भी हमारा शरीर शुद्धिकरण करने के लिए आ सकते हैं, यानी डिटॉक्स करने के लिए आ सकते हैं। तो हम जैसे कार का सर्विसिंग करते हैं, बाइक का सर्विसिंग करते हैं, तो वैसे 1-1.5 साल में हमारा भी डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, तो रोग ही नहीं होगा। रोग होने के बाद पैसे भी चले जाते हैं और इंसान भी चला जाता है, नहीं तो इंसान एक ही जगह पे बैठ जाता है। तो हमें क्या करना है, रोग ना हो जाए इसके लिए पहले आना है, और जिनको रोग है तो वो आके रोग भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है नहीं? और आने वाले समय में ये बहुत सारे वीडियो स्वास्थ्य संदेश चैनल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, और जल्दी से जल्दी हम फेसबुक चैनल भी, फेसबुक पेज भी चालू करेंगे। तो आपका ऐसा ही हमें सपोर्ट करना उसके लिए, बता दे। मूंग दाल का जूस में उसको उबालने का, दाल को 10-15 मिनट और हाँ, उसको मिक्सर में करने का, क्या उसको मिक्सर में करते हैं? अच्छा, क्योंकि वो जैसे आप मूंग भिगाते हो एक दिन, मूंग दाल की मूंग दाल भी भिगा सकते हो, आखा मूंग भी भिगा सकते हो। अच्छा, आखा मूंग अगर आप भिगाओगे तो ऐसे जैसे टेस्ट नहीं आएंगे, तो आपको मूंग दाल भिगाना है। मूंग दाल क्योंकि उसका छिलका नहीं है, तो छिलकी की भी टेस्ट आएगी। अच्छा, तो
मूंग दाल का, मूंग दाल जो धुला होता है, मूंग धुला दाल, उसको भिगा हुआ अच्छे से पानी में एक दिन, कम से कम 8 दिन तो भिगनी, 8 घंटे तो भिगनी चाहिए। फिर उसके बाद उसको हल्का सा बॉईल करो, 5-10 मिनट बॉईल होने के बाद फिर उसको मिक्सर में ग्राइंड कर देना, फिर वो पानी में डाल के बॉईल कर लेना।